दिखा दें आपको, जो गोलगप्पे आपने खाए होंगे, चाट आपने खाई होगी और फ्रूट चाट भी आपने खाई होगी। फिलहाल जो है ये शिविर जो लगा हुआ है, और देख सकते हैं आपको पिज्जा भी खाने को मिलेगा। देख सकते हैं ये पिज्जा जो है बनाया जा रहा है यहाँ पर कावड़ शिविर में, ये पिज्जा बनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो जो कावड़ लेकर आए शिव भक्त हैं उनको ये पिज्जा यहाँ पर खिलाया जा रहा है। और ये नई पहल जो है यहाँ पर की गई है, और देख सकते हैं तस्वीरें गोहाना की देख रहे हैं, जहाँ पर ये नई पहल जो है शुरू की गई है। गोल साहब क्या कहना चाहोगे जिस तरह से ये नई पहल शुरू की गई है? देखिए समिति का एकमात्र उद्देश्य है कि कावड़िए भाइयों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको घर जैसा माहौल मिले, स्पेशल जी कावड़ियों के लिए ये बगैर प्याज बगैर इसके किसी भी प्रकार का आप इसके जूम करके दिखा सकते हैं कि शुद्ध मतलब पिज्जा यहाँ पर कावड़ियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा अमरनाथ में भी पोस्ट पत्री पे एक ऐसा भंडारा लगता है जहाँ पर चाउमीन डोसा इत्यादि हर एक चीज उपलब्ध होती है। तो उसी कड़ी में हमने भी प्रयास किया है कि कावड़िए भाइयों को कावड़ लाते हुए घर जैसा माहौल मिले। तो देखते हैं ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर पिज्जा बनाया जा रहा है, और इसके लिए बकायदा जो है ये नई मशीन यहाँ पर मंगाई गई है। देखते हैं बिल्कुल नई मशीन है, और पिज्जा आप देखते हैं, और आपको उधर से भी दिखाएं जो है यहाँ पर पिज्जा जो बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये पिज्जा जो है बनाया जा रहा है। देखते हैं ये बिल्कुल तरोताज़ा। भाई साहब क्या कहना चाहोगे आज जो पिज्जा शुरू किया गया है यहाँ पर भंडारे में? आज घोड़े जी बाप सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हो? हाँ जी। तो कहाँ से आइडिया आया ये? बस घोड़े ने कहा बस लगा दिया। अच्छा, तो देखते हैं ये भोले भी खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भोले पिज्जा बनाया यहाँ पर है, तो इससे पहले कहीं भी और कहीं भी देखी आपने? ऐसा नहीं देखा कहीं? तो देखते हैं यहाँ पर ये जो पिज्जा है वो खाया जा रहा है, और पिज्जा साथ साथ बनाया जा रहा है, साथ साथ यहाँ पर खिलाया भी जा रहा है। ये देखिए एक नई जो है चीज यहाँ पर गोहाना में, क्योंकि गोहाना हमेशा जो है चर्चाओं में रहता है, अब ये नई चर्चा है कि शिव के कावड़ जो सेवा चल रही है उसको लेकर जो है ये नई पहल जो है यहाँ पर की गई है। देखते हैं कावड़िया यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की आज ये पिज्जा शुरू किया है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा जी खा के। अच्छा, जितने मेरे साथी थे सबको बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, काफी ज्यादा टेस्टी था। सबको मजा आ गया। मजा आ गया? तो इससे पहले भी कहीं देखा आपने ये? ना ना, ऐसा हम हर साल यही रुकते हैं, यही आते हैं हर साल, ऐसा कहीं नहीं होता। जी क्या कहना चाहोगे? अच्छा भी जाए, इससे पहले कहीं और कहीं जगह देखा कि नहीं? कहीं पर नहीं, यहीं पर देखा गोहाना में। देखिए गोहाना जो है हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे राजनीति की बात करें या कोई भी चीज देखते हैं, हर बार जो है चर्चा में रहता है। और ये चर्चा जो है अब गोहाना में जो है कावड़ शिविर में जो है ये चर्चा इसलिए है क्योंकि जो पिज्जा है वो कभी आपको कावड़ शिविर में कभी नहीं देखा होगा। शादी ब्याह में जरूर देखा होगा, बर्थडे पार्टी में देखा होगा, लेकिन अब जो है शिव भोले के ब्याह में देख सकते हैं। ये शिव भोले का की शादी है। ये देखते हैं तस्वीरें आप गोहाना की देख रहे हैं जहाँ पर ये पिज्जा बनाया जा रहा है। ये देखते हैं, और ये एक दो नहीं है कि एक दो ही बना रहे हैं। ये देखिए पीछे बेस तैयार किए जा रहे हैं, देखिए बेस तैयार किए जा रहे हैं। और आप भी आ सकते हैं, आप आसपास हैं गोहाना में, कोई भी शिव भक्त है वो यहाँ आकर पिज्जा खाना चाहता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखते हैं ये पिज्जे के लिए बेस तैयार किया जा रहा है। ये देखते हैं गोहाना के अंबेडकर चौक, जो फुहारा चौक हम कहते हैं, उस पर ये एक शिविर लगा हुआ है। देखते हैं तस्वीरें गोहाना की देख रहे हैं, यहाँ पर बेस तैयार किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये जो पकाया जाएगा यहाँ पर पकाया जाएगा, और उसके बाद जो है ये भक्तों के लिए परोसा भी जाएगा। देखते हैं ये तस्वीरें यहाँ पर जो है ये तैयारी जो है कर दी गई है। ये देखते हैं पिज्जा, तो देखते हैं तस्वीरें गोहाना की देख रहे हैं जहाँ पर पिज्जे की शुरुआत जो है एक, क्योंकि शिव भोले का विवाह जो है परसों होगा, उसी की तैयारी के लिए ये यहाँ पर पिज्जा तैयार किया जा रहा है। जो
शिव भक्त हैं उनको ये पिज्जा यहाँ पर खिलाया भी जा रहा है। तो आपसे अपील रहेगी, देखते हैं, ये देखिए जो लोग हैं पिज्जा खाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, देखते हैं, देखिए ये खा रहे हैं यहाँ पर और अपना अपना व्यूज भी यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह का ये टेस्ट है इसका। तो आपसे अपील है जितने लोग जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर करें देश अब तक चैनल को, जो है ये सबसे पहले ये खबर आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, गोहाना में सबसे पहले शुरुआत हुई, सबसे पहले आपके चैनल पर ही इसकी अब तक खबर भी देश अब तक भिजवा रहा है। कोई भी नई चीज़ होती है तो देश अब तक हमेशा आगे रहता है, अपने दर्शकों को हर अपडेट जो है आप तक पहुंचाता रहता है। और तस्वीरें देखते हैं जहाँ शिव भक्त हैं जो घेवर खा रहे हैं, वो क्या मतलब पिज्जा खा रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? अच्छा नई चीज कर रहे हैं ये है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो जो कावड़ी है वो काफी खुश है और यहाँ पर पिज्जा खाते हुए देख रहे हैं। और आपको बता दें दोबारा कि ये जो शुरुआत है ये गोहाना में शुरुआत की गई है, अम्बेडकर चौक पर जो है ये शिविर लगा हुआ है जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और इस घेवर जो पिज्जा है उसको उसका लुफ्त उठा सकते हैं और ये प्रसाद के तौर पर यहाँ पर आपको खाने को मिलेगा। हाँ जी वर्मा जी क्या कहना चाहोगे? तो शुरुआत नई तरीके से की गई है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे कावड़ी और अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कुछ नई शुरुआत होनी चाहिए। तो देखते हैं ये नई शुरुआत यहाँ पर, गोयल साहब काफी खुश हैं जो कावड़ी हैं, कह रहे हैं कि नई शुरुआत की गई है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए एक नई शुरुआत है और अच्छा देने की शुरुआत है, समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि बगैर लहसुन बगैर प्याज का ये पिज्जा कावड़े भाइयों को उपलब्ध करवा रहे हैं और हमें आशा है कि ये माहौल हमारे इस समिति के निर्णय को देख करके और भी भंडारों वाले कावड़िया भाइयों को अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो है लोगों के जो तादाद है लगातार बढ़ रही है और देखते हैं यहाँ पर जो है चाट भी बन रही है, जो चाट खाना चाहते हैं या गोलगप्पे खाने चाहते हैं सबके लिए ये वहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोई भी शिव भक्त है वो यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो आप आके प्रसाद के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपसे अपील भी रहेगी कि तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुँचे कि गोहाना में कावड़ शिविर में पहली बार कोई ऐसा नई चीज़ की होगी जहाँ पर एक तरह से जो पिज्जा है उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो आपसे अपील रहेगी कि तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अजगोल साहब क्या कहना चाहोगे लोगों से? लोगों से यही अपील है कि बढ़ चढ़ करके शिविरों में भाग लें, दान धर्म करें, कावड़िए भाइयों की सेवा करें, जो आर्थिक मदद नहीं कर सकते वो तन से सेवा करें, प्रभु की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, कलयुग के अंदर भगवान शंकर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, यही कारण है कि कावड़ियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, इस बार 10 वर्षों की अपेक्षा 3 से 4 गुना कावड़िया यहाँ पहुँच रहा है और सभी शहर वासियों का सहयोग के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं यहाँ पर बकायदा जो है डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है और देखते हैं यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट जो है जो कावड़ियों को कुछ हल्के फुल्की कोई चीज लग जाती है या कोई कंकड़ जो है वो लग जाता है उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर किया जा रहा है। बोले जब बोलेगी किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है? बढ़िया है रास्ते में किस तरह की व्यवस्था है? बढ़िया है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है कावड़ शिविर जो है लगातार चल रहा है और आज जो है नई शुरुआत जो है यहाँ पर की गई है और जिसके लिए ये जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं धन्यवाद और बधाई के पात्र भी जरूर है क्योंकि जो है एक नई शुरुआत जो है यहाँ पर आपको दोबारा एक बार दिखा दें यहाँ पर बेस तो है तैयार किए जा रहे हैं और कुछ ही समय में जो है ये लोगों के बीच जो पहुँच जाएंगे और आप यहाँ पर आकर आपको पिज्जा खाना है तो आप यहाँ भंडारे में आ सकते हैं और पहुँच कर यहाँ पर जो है ये पिज्जा आप यहाँ आकर लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो है इस ये प्याज नहीं है इसमें, लहसुन नहीं है, आपको स्वीट कॉर्न इसमें मिलेगा, शिमला मिर्च, पनीर,
से भरपूर जो है ये आपको ये पिज्जा मिलने वाला है। ये तस्वीरें देखते हैं जहाँ पर ये नई शुरुआत जो है गोहाना में की गई है। तो देखते हैं जो शिव भक्त हैं लगातार इस शिविर में पहुंच रहे हैं, तो आपसे अपील भी रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।